गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू टू लेक्चर ऑफ मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन आज हम बात करेंगे मटेरियल बैलेंस का जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री में मेरा कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो वहाँ पे कैसे मटेरियल बैलेंस करते हैं कुछ एग्जाम्पल से भी मैंने इसको आपको काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है बिफोर स्टार्टिंग टू लेक्चर अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से, से शेयर कीजिए मेरा ये जो लेक्चर है इसके पी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पर जाके इसलिए डाउनलोड कर सकता है सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग कैसे की जाती है याद रखिएगा एक केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टोक्योमैट्री स्टोक्योमैट्री बेसिकली मेरे को ये बताती है कि वेरियस कंपोनेंट्स जो मेरे किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस तरीके से या फिर किस प्रपोर्सन में मीन्स किस रेशियो में एक दूसरे से रिएक्ट करके किस रेशियो में फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं ये पूरी की पूरी चीज़ मेरे को स्टोक्योमेट्री बताती है जैसा नीचे इस एग्जाम्पल में आप देखिए तो एक स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे नाइट्रोजन मेरा हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रही है अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नाइट्रोजन के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मीन्स यहाँ पर मैं वैल्यू वन वन मान सकता हूँ हाइड्रोजन से पहले थ्री लिखा हुआ है और नाइट्रोजन अमोनिया से पहले टू लिखा हुआ है दिस मीन्स ये आप प्रॉपर तरीके से समझिएगा ये आपके मोल्स होते हैं इसका मतलब है वन मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ थ्री मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ अमोनिया अब अगर मेरे को वेट कैलकुलेट करना है तो मोल का फॉर्मुला होता है मास अपॉन मॉलिकुलर वेट यहाँ पे जैसा कि मेरे को पता है एक मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है तो मैं यहाँ पे मोल की वैल्यू वन रखूंगा मास मेरे को कैलकुलेट करना है मॉलिकुलर वेट अमोनिया नाइट्रोजन का होता है ट्वेंटी एट जैसे ही मैं वो वैल्यू तब करूंगा तो मेरे को मास कैलकुलेट होकर मिल जाएगा ट्वेंटी एट ग्राम सेम जब मैं हाइड्रोजन के केस में कैलकुलेट करूंगा तो मोल्स है मेरे थ्री मास मेरे को कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का मॉलिकुलर वेट है टू मीन्स यहाँ पे वैल्यू आएगी मेरी सिक्स ग्राम सेम केस विद अमोनिया मास मेरे को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स टू और मॉलिकुलर वेट अमोनिया का नाइट्रोजन का फोर्टीन और हाइड्रोजन का थ्री आपस में एड होके सेवेंटीन तो यहाँ पे मास की वैल्यू मेरे को मिलती है थर्टी फोर मीन्स ट्वेंटी एट ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ सिक्स ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म्स थर्टी फोर ग्राम्स ऑफ अमोनिया मास बैलेंस के हिसाब से आप देखिए तो जितना आपने इनपुट किया थर्टी फोर ग्राम उतना ही थर्टी फोर ग्राम आपका आउटपुट निकला ये मास बैलेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ परफेक्ट तरीके से फिट होता है बट अगर आप मोल्स की बात करेंगे कि एक मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट किया तीन मोल हाइड्रोजन से तो चार मोल अमोनिया बनना चाहिए ऐसा कभी भी नहीं होता है मींस मोल्स मोल बैलेंस आप कभी नहीं करते हो आप हमेशा मास बैलेंसिंग करते हो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड अगर मैं बात करता हूं मटेरियल बैलेंस की तो याद रखिएगा जैसा कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शन केस में लास्ट बताया इनपुट इज आउटेज इक्वल टू आउटपुट अगर मैं इस केमिकल रिएक्टर को देखता हूँ ये बीच वाला सेटअप मान लीजिए ये मेरा केमिकल रिएक्टर है इसमें मैं हंड्रेड के जी रॉ मटेरियल एंटर कर रहा हूँ और अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके बाद में मैं फोर्टी के जी आपका मटेरियल आउट कर रहा हूँ तो अंदर जो भी मेरा एक्यूमुलेसन होगा वो मेरा होगा सिक्सटी के जी बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनपुट माइनस आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्यूमुलेसन ये कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई होता है मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जरूरत क्या होती है मटेरियल बैलेंस की याद रखिएगा कि केमिकल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नॉर्म्स कैलकुलेशन मींस एक के अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको कितने रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है के ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर के ऑफ प्रोडक्ट ये होता है आपका नॉर्म इसके बारे में मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में काफी ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा कि नॉर्म्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं सेकेंड इससे मेरे को ये आइडिया लगता है कि मेरे जो मटेरियल के लॉसेस हैं वो सिस्टम में कहां -कहां पे मेरा मटेरियल लॉस हो रहा है एंड द थर्ड वन इज कहीं पे मेरा प्रोसेस माल फंक्शन तो नहीं कर रहा है जो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा हो ये इसके मेजर बेनिफिट्स होते हैं ऑफ डूइंग मटेरियल बैलेंस अब एक और मैंने केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल से आपको समझाने का यहाँ पे ट्राई किया है ये थोड़ा गौर से देखेगा ये मेरे को स्टोकोमैटिक इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड मेरा दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके आपका वन मोल ऑफ सी एच थ्री ओ एच मिथेनॉल बनाता है सेम अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो एक मोल कार्बन मोनॉक्साइड का दो मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और एक मोल ऑफ मिथेनॉल बनाता है अगर मैं वेट के टर्म्स में बात करूँ तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कार्बन मोनोक्साइड का आपका मॉलिकुलर वेट है कार्बन का ट्वेल्व ऑक्सीजन का सिक्सटीन मीन्स ट्वेंटी एट मोल की वैल्यू वन हो जाएगी मास मेरे को कैलकुलेट करना है मॉलिकुलर वेट इज ट्वेंटी जब आप इधर से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो मास यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा ट्वेंटी ग्राम सेम केस विद द हाइड्रोजन जब आप कैलकुलेट करोगे मोल्स टू मॉलिकुलर वेट टू सो मास इज फोर ग्राम्स अगर मैं मिथेनॉल के केस के में कैलकुलेट करता हूँ मोल्स इज वन मास मेरे को कैलकुलेट करना है मोलिकुलर वेट इज कार्बन ट्वेल्व हाइड्रोजन थ्री हाइड्रोजन वन एंड ऑक्सीजन इज सिक्सटीन तो تلعب ऐड कीजिए 12 plus 3 plus 16 plus 1 दैट वैल्यू कम्स आउट 32 सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज़ हियर आप मास बैलेंस चेक कर सकते हैं 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड जब 4 ग्राम इससे रिएक्ट करता है तो 32 ग्राम आपका आउटपुट मिलता है बिल्कुल मास बैलेंस आपका परफेक्ट तरीके से यहां पे मैच हो रहा है अब मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल से कुछ क्वेरीज में आपको ये काफी इजी तरीके से क्लियर करता हूं यहां पे एक रिएक्शन दिया गया है जहां पे नाइट्रोजन आपका एक मोल नाइट्रोजन तीन मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके दो मोल अमोनिया के बनाता है पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मेरे को यह दिया जाए कि नाइट्रोजन गैस का फ्लोरेट आपका नाइट्रोजन गैस का फ्लोरेट ट्वेंटी किलो मोल पर आवर है तो आपका हाइड्रोजन गैस का फ्लोरेट कितना होगा अब आप देखिए ये वैल्यू मेरे को दी गई है किलोमोल पर आवर जैसा कि क्वेश्चन देख के आप बता सकते हैं कि नाइट्रोजन का अगर एक मोल रिएक्ट करता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तीन मोल्स आपके हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं जिससे दो मोल्स अमोनिया के बनते हैं ये देखिए एक मोल प्लस थ्री मोल गिव्स टू मोल मीन्स अगर मेरे को ये दिया जाता है कि नाइट्रोजन का फ्लोरेट है आपका ट्वेंटी फाइव किलोमोल पर आवर तो हाइड्रोजन का फ्लोरेट कितना होना चाहिए मोलल रेशियो इज वन इज टू थ्री ये एक मोल है तो ये तीन मोल है इसका मतलब अगर नाइट्रोजन का फ्लोरेट है ट्वेंटी फाइव किलो मोल पर आवर तो हाइड्रोजन का फ्लोरेट होगा आपका सेवेंटी फाइव किलो मोल पर आवर होप आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सेकेंड वन इज के जी ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड पर आवर सेकेंड में मेरे को ये पता करना है कि अमोनिया कितनी आपकी प्रोड्यूस होगी पर आवर के रेट से सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी आपकी अप्लाई होती है आप इजी तरीके से चेक कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव किलोमोल हाइड्रो पर आवर के रेट से नाइट्रोजन रिएक्ट करता है सेवेंटी फाइव किलोमोल पर आवर के रेट के हाइड्रोजन से जब ये बनाएगा फिफ्टी किलोमोल पर आवर के रेट से अमोनिया अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन एम यहाँ पे आपको ट्वेंटी फाइव किलोमोल पर आवर दिखाई दे रहा है इसका इनपुट फ्लो रेट अब आपको मास कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे उसके मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करोगे नाइट्रोजन का मॉलिकुलर वेट ट्वेंटी मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी एट के जी मीन्स इतने के जी आवर के रेट से आपका नाइट्रोजन यहाँ पे एंटर करेगा जो रिएक्ट करेगा सेवेंटी फाइव इंटू आपका टू के जी आवर के रेट से हाइड्रोजन से और आपको प्रोडक्ट में फॉर्म करेगा फिफ्टी इंटू सेवेंटीन अमोनिया का मॉलिकुलर वेट आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आपका आएगा कि जो आपकी नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी वो आपकी प्रोड्यूस होगी अगर आप फिफ्टी इन टू सेवन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी एट हंड्रेड फिफ्टी के जी पर आवर के रेट से मीन्स एक केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप पूरा का पूरा मास बैलेंस आप परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं ओनली द मेन रिक्वायरमेंट इज दैट कि आपको इस केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा ये तो मैंने आपको केस बताया जहाँ पे एक परफेक्ट रिएक्शन कंप्लीट होनी है मीन्स सफिसियंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सफिसेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है सफिसेंट अमाउंट ऑफ अमोनिया बनाने के लिए अब आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको ये बताऊंगा कुछ केसेस में एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेस रिएक्टेंट का मीन्स अगर कोई चीज़ एक्सेस अमाउंट में है और कोई चीज़ अगर लिमिटिंग अमाउंट में है तो वो किस तरीके से पूरे के पूरे मेरे रिएक्शन को कंट्रोल करती है इसके बारे में मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको काफी ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा टिल नेक्स्ट लेक्चर गुड बाय एंड अ नाइस डे